रहते ही नहीं गर्ल्स। सुबह उठने के बाद मैं लायन किंग लगती हूँ जस्ट लाइक दिस। एक बात बताओ, पाइनएप्पल बन बना के कैसे सोएंगे? मुझसे नहीं होगा। सेटिन पिलो कवर, सेटिन बो नेल, सेटिन स्क्रंची इतने ज्यादा महंगे हैं, मैं कहाँ से खरीदूँ? पैसे नहीं है। हे गाइस, हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप लोग हर कोई अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर पे सही सलामत होंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले जो भी सारे मैंने प्रॉब्लम्स आपके साथ बताया है, शेयर किया है, उसी के ही मैं एक्चुअली आपको थोड़ा बहुत कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो उस बारे में बताऊंगी। और उसके साथ मैं एक स्टोर जिसका नाम है कर्लिन, जैसे कि आपने टाइटल लाइन पे देखा ही होगा, उससे आप क्या सारी चीज़, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल सकता है, उस बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आपको यहाँ पे मेरा झोला दिख गया होगा, इस झोले में ही है बहुत सारे प्रोडक्ट और ये सारे हैं फ्रॉम द ब्रांड कर्लिन। कर्लिन एक इंडियन ब्रांड है और सबसे अच्छी बात जो है ये एक वुमेन रन ब्रांड है, मतलब इनकी जो फाउंडर है वो एक महिला है, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है सच बोलूँ तो। और बहुत ही तेज़ी से वो उनका नाम इस कर्ली गर्ल कम्युनिटी ग्रुप में एक्चुअली कर रहे हैं। कैसे, ये सारे मैं वीडियो के अंदर ही मैं आपको बता दूंगी। सबसे अच्छी बात जो उनका है वो है उनका प्राइस। हम सबको पता है कि कुछ साल पहले, मतलब एक आठ साल पहले एक्चुअली सिल्क या फिर सेटिन के बोनेट या फिर स्क्रंची या फिर और भी जो भी सारे चीज़ है, जैसे पाइनएप्पल की पर्दन बैंड, ये सब कितना ज़्यादा महंगा आता था, ये हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन आप कर्लिन का प्राइस रेंज जब देखोगे आप तभी चौंक जाओगे कि उनका प्राइस इतना ज़्यादा अफोर्डेबल है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी इसे एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं। प्राइस के साथ जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्या है पता है? वो है कि उसका क्वालिटी कैसा है, प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है। तो कर्लिन कभी भी अपने प्रोडक्ट्स पे क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, जो चीज़ सबसे ज़्यादा कमेंडेबल है। तो मैंने जो भी सारे उनका प्रोडक्ट यूज़ किया है उस पर मैं एक ही बात समझी हूँ कि उनका प्रीमियम क्वालिटी होता है विथ अफोर्डेबल प्राइस। क्वालिटी के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फिनिशिंग। फिनिशिंग उनका सुपर्ब है, मतलब 5 out of 5 है। उसका बाद अगर हम उसका ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करें, मतलब कितने दिन तक आप इसके प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे बहुत सारे ब्रांड देखे हैं कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, लेकिन कर्लिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उनका प्रोडक्ट बहुत दिनों तक यूज़ कर सकते हो। मैं उनका जो स्क्रंची है, देन उनका जो हेयर बैंड है, तो मैं कितने दिन से यूज़ कर रही हूँ, और बस मैं नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी इसे यूज़ करते हैं कभी कभी, मतलब होता है ना कि पड़ा हुआ है और लेकर उसे लगा लेते हैं। तो मेरी मम्मी को तो ये वाला स्क्रंची बहुत ज़्यादा पसंद है, इनफैक्ट वो मुझे बोल भी रही थी कि मेरे लिए मंगा दो। नॉट ओनली फॉर कर्ली हेयर, इवन अगर आपका स्ट्रेट हेयर या फिर वेवी हेयर भी है तभी भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कर्ली नाम है इसीलिए आप बस कर्ली हेयर ही यूज़ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी हेयर टाइप हो, उनके लिए सैटिन या फिर सिल्क की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस बारे में मैं बाद में, थोड़ी देर बाद में बात करूंगी, लेकिन पहले के वीडियोस में मैंने आपको थोड़ा बहुत बोला है। आप मेरे पहले के वीडियोस अगर देखे हो तो आपको पता होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कर्लिन से मेरे लिए क्या सारे चीज़ आया है। ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिया है, जस्ट आपको वीडियो के लिए मैंने इसके अंदर इंसर्ट करके रखा है मैंने। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो कि कर्लिन के प्रोडक्ट कुछ ऐसे पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था, और पैकेजिंग में मैं उनको सलाम देने वाली हूँ। बहुत अच्छा पैकेजिंग में आया था, और इनफैक्ट उनका एक कस्टमाइज्ड एक कवर था, उसके अंदर एक्चुअली सारे प्रोडक्ट्स रखा हुआ था, और प्रोडक्ट्स मुझे ऐसा ही रिसीव हुआ जैसा कि मुझे पिक्चर्स या फिर वीडियोस में उनका दिख रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन हम एक ऑर्डर करते हैं लेकिन आता दूसरा कुछ है, लेकिन कर्लिन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसा आपको दिख रहा था फोटोज पे वैसा ही आपको दिखेगा, मतलब आपका एक्सपेक्टेशन और आपका रियलिटी बिल्कुल से एक समान होगा। अगर आप सीजी मेथड फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि अगर आप नाइट केयर अच्छे से नहीं करते अपने बालों का, तो नेक्स्ट डे आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिज आ जाता है। साथ में अगर आप नॉर्मल स्क्रंचीज यूज़ करते हैं या फिर रबर बैंड यूज़ करते हैं, तो आपके बाल टूटने का संभावना ज़्यादा होती है। सैटिन या फिर सिल्क के प्रोडक्ट्स हमारे बालों के लिए नहीं, हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा, और उसके साथ ये बेटर क्वालिटी ऑफ ट्रीट भी प्रोवाइड करता है। तो मैं आज आपको कर्लिन स्टोर के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया ही है, आपको कर्लिन के स्टोर पे बहुत कुछ मिल जाएगा, जिसमें कि कुछ कुछ प्रोडक्ट मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आपको एलिगेटर बो, डिटैंगलिंग कोम, माइक्रोफाइबर टावल, लाइक्रा बफ, उसके साथ हीट कैप भी मिल जाएगा। आप जस्ट इंस्टाग्राम पे जाके curlyn.in सर्च करिए, एंड देन आपको मिल जाएगा एक ऑसम सा एक पेज जिसमें कि ये सारे प्रोडक्ट लिस्टेड है। आप डायरेक्टली उनको DM कर सकते हो या फिर उनका व्हाट्सएप नंबर जो कि मैंने वीडियो पे मेंशन किया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उन पे कॉन्टेक्ट। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या सारे चीज़
हमें रिसीव हुआ है। ये एक्चुअली एक बोनेट है, इसके अंदर मैंने सब कुछ रख दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या सब मिला है कर्लिन से, सब गिफ्टेड है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मेरा रिव्यू बायस्ड है, मैं ऑलरेडी कर्लिन के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, तो मुझे पता है कि कर्लिन के प्रोडक्ट्स कैसे हैं। ये बस कुछ कुछ चीज थोड़े नए हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या सब चीज मिला है इसमें। तो पहले तो मुझे दिख रहा है पिंकी का एक माइक्रोफाइबर टर्बन, जो कि पहनते हैं कुछ ऐसे जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। ये माइक्रोफाइबर मटेरियल का है और मुझे पिंक कलर में मिला है। मुझे ये वाला इतना ज्यादा क्यूट लगा है ना, ये देख सकते हो आप, इसका लेंथ कुछ है यहाँ तक। ये मेरे पास आपको याद होगा थोड़ा सा ब्लू कलर में मुझे डिकैथलन से मुझे मिला था। डिकैथलन वाला बहुत ज्यादा महंगा था और ये इतना ज्यादा अफोर्डेबल है ना, इसका प्राइस है बस 280 रुपीज। आप इसको ड्राइंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, साथ में आप इसको वेट प्रॉपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। मटेरियल काफी सॉफ्ट है, नॉर्मल आप जो भी टॉवल यूज करते हैं घर पे उससे क्या होता है हमारा बालों का ब्रेकेज ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, और वो मटेरियल काफी टफ होता है। लेकिन ये वाला जो मटेरियल है ना, टर्बन का मटेरियल, मतलब इसका टॉवल भी उनके पास एक्चुअली है जो कि अराउंड 500 रुपीज है, वो भी आप खरीद सकते हो उनसे। लेकिन मेरे पास है टर्बन। यहाँ पे एक बटन टाइप का सिस्टम दिया गया है, तो आप जब बालों को पीछे से बांधोगे, मतलब पीछे से ये वाला रोटेट करके सामने ले आ सकते हो। दूसरे जितने भी ब्रांड है फॉर माइक्रोफाइबर टर्बन उससे बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है और इनका क्वालिटी और फिनिशिंग सुपर्ब है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यही है पहला वाला प्रोडक्ट, ये मुझे एकदम बेबी जैसा लग फील होता है ना, बहुत क्यूट है। इवन मैं इसे कभी ऐसा भी कर सकती हूँ। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इस बोनेट से निकलता हुआ वो क्या है हम देख लेते हैं। वो है पाइनएप्पल कीपर। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये पाइनएप्पल को कीप करता है, मतलब पकड़ के रखता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक है एक कुछ ऐसा वाला, मतलब पकड़ने वाला मटेरियल। इस मटेरियल को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं इसको चिटकनी बोलती हूँ, मतलब ये चिटक जाता है ना इसलिए। तो ये वाला जो पहले के हमारे बहुत सारे कपड़े में भी होता था, तो वैसा वाला। तो ये वाला क्या करता है, जब हम यहाँ पे पाइनएप्पल बनाते हैं तो कभी कभी किसी किसी का क्या हो, पाइनएप्पल खुल जाता है, यहाँ पे पाइनएप्पल यहाँ वहाँ यहाँ चले जाता है, स्लाइड डाउन हो जाता है वो। तो ये वाला एक्चुअली इसे प्रिवेंट करता है, यहाँ पे पकड़ के रखता है इसे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो एक्सरसाइज करते हैं उनका बाल तब यहाँ वहाँ मतलब उड़ते फिरते रहते हैं, आप सबको पता है, स्पेशली कर्ली हेयर का ये प्रॉब्लम है। तो आप एक्सरसाइज के दौरान अगर आप सोच रहे हो कि मेरे बाल यहाँ वहाँ जा रहे हैं और इससे मेरे बालों का पैटर्न खराब हो रहा है या फिर बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहा है, तब ये वाला आप यूज़ कर सकते हो। ये सैटिन मटेरियल का है और यहाँ पे ये वाला छिटकनी या फिर जो भी आप बोलते हो वो है, आप समझ गए हो ना, ये वाला मटेरियल, ठीक है? इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे पाइनएप्पल कीपर का मैंने सुना है कि इतना ज़्यादा टाइट होता है कि उनको यहाँ पे दर्द हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है। इसका क्वालिटी इतना ज़्यादा अच्छा है, स्टिचिंग इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये एक प्रीमियम क्वालिटी का एक पाइनएप्पल कीपर है। मैं इसे पर्सनली जब मैं ड्राइव में जाती हूँ, सोचो मेरे भाई के साथ मैं घूमने जा रही हूँ तो हेलमेट मुझे पहनना होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे करके लगा के मैं उसके बाद ये वाला लगा देती हूँ ताकि यहाँ का बाल सही रहे और हेलमेट का जो मटेरियल है ना उससे टच ना हो मेरे बाल। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही करती हूँ जब मैं हेलमेट पहनती हूँ। उसके साथ अगर आप सोचो फ्लाइट पे क्या होता है, जो फ्लाइट का पीछे वाला जो सीट का कवर है उससे भी बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाते हैं। क्यों पता है, जो मटेरियल होता है सीट कवर का और आपका बालों का, वो मटेरियल एक्चुअली बहुत ज़्यादा रफ होता है और उससे बालों में फ्रिक्शन इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है कि फ्रीज आना शुरू हो जाता है। इवन आप कोई भी राइड पे भी जा रहे हो तभी भी आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सिंपली जब घर पे बैठे हो कोई भी टेडियस काम कर रहे हो। मैंने बहुत किसी को देखा है कि घर पे पोछा लगा रहे तब वो लगा देते हैं, मतलब जो भी अभी लोग हाथ से पोछा लगाते हैं उनके बारे में मैं बोल रही हूँ। कोई भी टेडियस काम आप कर रहे हो तभी भी आप ये पहन सकते हो, कभी कभी थोड़ा सा खुद को फैशनेबल भी करने के लिए आप ये वाला पहन सकते हो। ये बहुत अच्छा है, क्यूट सा लुक देता है, जैसे कि आप मेरे वीडियो में यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने इसको कैसे कैरी किया। और इस पाइनएप्पल कीपर का प्राइस है ₹450। येलो कलर जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट कलर है, उसके ऊपर में थोड़ा सा फ्लोरल प्रिंट है और इतना ज़्यादा अच्छा एक क्यूट सा प्रिंट है। और उसके साथ इसका मटेरियल के बारे में अगेन मैं बोलूँगी कि बहुत ही अच्छा मटेरियल है और फिनिशिंग तो वाह भाई वाह। तो ये है हमारा सेकेंड प्रोडक्ट। तो अब देख लेते हैं कि हमारा थर्ड प्रोडक्ट हमारे इस बोनेट से क्या निकलता है। अब हमारे बोनेट से निकला है दो क्यूट 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 सा
हेडबैंड। मैंने ऑलरेडी कर्लिन का हेडबैंड यूज़ किया है और कर्लिन का हेडबैंड का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं बहुत सारे जगह पे एक्चुअली मैं इसे पहनी हूँ, जैसे मैं जब मार्केट पे जाती हूँ वो तो मैं पहनती हूँ, मैं अंडमान में आकर भी मैं कहीं पे घूमने गई थी तभी मैंने डाला था, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा था। और उसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा स्टडी है, मतलब कुछ कुछ हेडबैंड होता है ना कि आपको पेन देता है यहाँ वहाँ, ऐसा नहीं है। और मेरे पास दो कलर ऑप्शन में मेरे पास है, लेकिन उनके पास एक्चुअली और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। आप उनसे बात करिए, उनका इंस्टाग्राम आईडी या फिर उनका व्हाट्सएप में आप उनसे बात कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा उनका कस्टमर केयर सर्विस है, आपको जो भी सारे आपका रिक्वायरमेंट है वो आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये है उनका हेडबैंड जो कि मैंने ऑलरेडी इसे यूज़ करके देखा है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना सही है ना, मुझे पर्सनली हेडबैंड यूज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और कर्लिन का हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अगेन इनका फिनिशिंग और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कलर ऑप्शन मुझे जो मिला है वो है, एक है ब्लू कलर, ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। येलो मेरे पास एक्चुअली वैसे टाइप का कुछ कुछ टी शर्ट है जिसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। और पाइनएप्पल कीपर का सेम एक्चुअली प्रिंट है थोड़ा सा। और ये जो पर्टिकुलर हेडबैंड है इसका प्राइस है ₹180 ईच, हाँ ऐसा नहीं कि दोनों मिलाकर। तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि आपको कौन सा टाइप का चाहिए। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है तभी भी आप उनको बोल सकते हैं, और वो आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स पे चेंजेस भी लाते हैं। सबसे अच्छी बात कर्लिन का ये है कि वो उनका कस्टमर्स का बातें सुनते हैं। तो अभी तो इसे मैं लगा के रखूंगी क्योंकि इतना क्यूट वाला लुक दे रहा है। ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट निकलने वाला है मेरे इस बोनेट से वो है दो स्क्रंची। सो ये जो स्क्रंची है ये मीडियम साइज का है, मेरे पास दो है और एक येलो कलर का मैंने ऑलरेडी यूज किया है और ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। एक है पिंक कलर में और एक है व्हाइट कलर में, ऐसा लग रहा है ना मेरे ड्रेस के साथ ही मैचिंग हो रहा है। ये सबसे अच्छी ये बात है कि इनका ड्यूरेबिलिटी, ये मैं कितने दिन भी यूज कर लूँ ऐसा का ऐसा ही रहता है। अगर आपका वॉल्यूम मेरे से भी ज्यादा है तो आप लार्ज ले सकते हैं, और उनका प्राइस कुछ 60 से स्टार्ट होता है, 60 स्मॉल साइज का, उसके बाद 70, उसके बाद 80। अगर आपने नॉर्मल वाला भी बोनेट लिया ना उसका प्राइस तो अप्रॉक्स 50 तक आ जाएगा। तो 13 के लिए और थोड़ा सा 10 रुपया खर्चा कर दो तो कर्लिन से खरीद लेना। तो अब देख लेते हैं कि बोनेट से और क्या निकलता है। तो निकला है एक शावर कैप और ये इसका प्राइस बस है ₹40, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर मुझे शावर कैप कहीं पे भी और नहीं मिलता था। मैंने रिसेंटली मिनीसो से एक शावर कैप मंगवाया है, मिनीसो का शावर कैप इतना ज़्यादा टाइट है कि मुझे यहाँ पे दर्द हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें कलर ऑप्शन भी उनके पास है। इसी करने के बाद मुझे ऐसा कुछ एक कैप चाहिए था ताकि डीसी का मटेरियल है वो मेरे स्पा कैप में ना लगे, तो ये वाला मेरे लिए परफेक्ट है। और मैंने हीट भी देखे देखा है, ये स्टडी होता है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। थोड़ा सा गर्म हो जाता है, वो तो हमारा बाल भी हो जाएगा अगर हम नॉर्मल स्पा कैप यूज़ करें तो। तो ये वाला मेरे लिए बहुत ही एक मच नीडेड एक प्रोडक्ट था जो कि मुझे मिल गया है, एंड थैंक यू कर्लिन फॉर दिस। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक पिलो कवर जो है मेरे पास, ये देखिए, और इसका प्राइस है ₹580। ये एक प्रिंटेड पिलो कवर है और इसका मटेरियल है सैटिन, जो भी प्रोडक्ट मेरे पास है मोस्टली सैटिन की है। और इसमें ना रफल्ड है, ये आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। जब से आया है तब से यूज़ कर रही हूँ, और धूप इतना ज़्यादा आ रहा है तो ऐसे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसका प्रिंट आप देख सकते हो इतना ज़्यादा क्यूट है। और सबसे अच्छी बात इसका जो मुझे लगा है वो है फिनिशिंग, कहीं से भी आपको एक सिलाई यहाँ वहाँ नहीं दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इनका स्टिचिंग है और बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम क्वालिटी है। और आप उनको अपना पिलो का साइज बता दे सकते हो तो वो आपके लिए कस्टमाइज भी पिलो कवर बना सकते हैं, और आपको जो भी कलर पसंद है आप उनको बता देना, ठीक है। तो ये है मेरा पिलो कवर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इतना ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे कि मैं बोनेट पहन के नहीं रह सकती हूँ, तो मुझे पिलो कवर चाहिए था क्योंकि मैं अगर पिलो में ऐसे जस्ट सो जाती हूँ ना तो मेरे बालों में फ्रिज नहीं आता है। लेकिन मेरे पास एक सेटिन का जस्ट एक कवर था जिससे मैं कवर रैप कर देती थी मेरे पिलो में, लेकिन ये वाला जब से आया है तो मेरा एक्चुअली जिंदगी आसान हो गया है। तो अब आते हैं मेरे लास्ट प्रोडक्ट, वो है बोनेट, और ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं क्या बताऊँ। मेरी एक प्रॉब्लम होती थी जब मैं बोनेट यूज़ करती थी, बोनेट आधा रात को खुल जाता था, या फिर ऐसा होता था कि अभी बोनेट पहना है और सुबह उठ के मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होता था। तो ये वाला जो बोनेट है मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लगा है टू वियर। सबसे अच्छी बात कर्लिन का यही है, उनका जो भी प्रोडक्ट बना है वो एज पर हमारा कन्वीनियंस के हिसाब से है। जो कर्लिन की ओनर है उनका खुद का ही कर्ली हेयर है और उनको पता ही है कि कर्ली हेयर पे एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स ऐसे ही कुछ बनाया है कि यूज़र फ्रेंडली हो। तो इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट, मतलब ये वाला बोनेट जब मैं यूज़ करती हूँ मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये वाला बोनेट को मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, मैं ऐसे डाल के मैं पीछे से रैप कर देती हूँ एंड देन उसका
पीछे से जस्ट एक हल्का सा टाई करके मैं यहाँ पे आके बांधती हूँ, उससे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कम हो जाता है। मैं मस्तानी नहीं लग रही हूँ, मैं हूँ मस्तानी मजाक कर रही हूँ। तो ये एक्चुअली जंबो बोनेट है और यहाँ पे सेटिन मटेरियल ही है और अंदर भी इसका सेटिन एक्चुअली है। मैं ये दिन को भी पहन के रखती हूँ, मतलब मैं आज सोचो लगाई हूँ, नेक्स्ट दिन मैं जब तक ऑफिस का काम करती हूँ मैं लगा कर रखती हूँ। कभी कभी मैं पाइनएप्पल कीपर लगाती हूँ और कभी कभार मैं ये वाला बोनेट लगाती हूँ। बोनेट थोड़ा बहुत गर्मी दे देता है, तब जब गर्मी दे देता है तब मैं पाइनएप्पल कीपर लगा देती हूँ। तो ये जो बोनेट है इसका कलर है कुछ ऐसा, ये वाला टील ब्लू है, टील ब्लू ही शायद है ना इसको बोलते हैं, और अंदर में पर्पल कलर है और अंदर में सैटिन है। सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे इलास्टिक नहीं है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं कि हेडेक होगा। बोनेट का प्राइस डिफरेंट डिफरेंट है, लार्ज बोनेट का डिफरेंट है, लॉन्ग बोनेट का डिफरेंट है, मीडियम बोनेट का डिफरेंट है। मीडियम बोनेट का 550 है, लार्ज का 600 है एंड लॉन्ग का 799 है। तो यही सब था कर्ली हेयर एसेसरीज फ्रॉम कर्लिन। थैंक यू सो मच कर्लिन फॉर सेंडिंग मी दिस प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसे बहुत सारा मैजिक और भी क्रिएट करते रहिए इन फ्यूचर, ताकि हम जैसे कर्ली हेयर लड़कियां आपके प्रोडक्ट से अपने बालों का मेंटेन कर पाए। अब कर्लिन से कैसे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो ये भी मैं आपको बता दूं। कर्लिन से आप व्हाट्सएप से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और उसके साथ आप उनका इंस्टाग्राम आईडी जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है और व्हाट्सएप नंबर भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप उनसे कांटेक्ट करिए और अपना ऑर्डर और अपना जो भी सारे रिक्वायरमेंट है उनको बता दीजिए। आपके डोरस्टेप में मैजिक डिलीवर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। और आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन आप खुश रहिए, घर पे रहिए और हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।